बिल्कुल नहीं। क्या मैंने तुम्हें सुनाई हुई राम और कृष्ण की कहानियाँ याद हैं? जी हाँ दादी माँ, मुझे याद है। और उनकी प्रार्थना? मैं आइसक्रीम खिलौने के लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। मेरे लिए आप क्या लाए हैं? मैं तुम्हारे लिए कहानियों का खजाना लाई हूँ। इन कहानियों में मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सारी दुनिया के लिए संदेश है, जिसे हम रोजाना जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दादी माँ, मुझे भी वो कहानियाँ सुनाओ ना। क्यों नहीं, तो सुनो पहली कहानी। खूबसूरत सुबह थी वो। एक गांव में एक महिला भगवान कृष्ण की कहानी भागवतम पढ़ रही थी। हर गृहिणी का कर्तव्य होता है कि वह जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे। माँ, ओ माँ, कुछ अंधे को खाने को दो माँ। ए, चल जा यहाँ से। अंधे पे दया करो माँ, कुछ खाने को दो। जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। माई, कुछ मिलेगा माई? आइए पुण्यात्मा, स्वागत है, यह लीजिए। भगवान भला करे। माँ, थोड़ी देर पहले तुमने जैसा खाया था, तुम वैसा क्यों नहीं करती हो? बीच में नहीं बोला करते, क्या हम वैसा व्यवहार कर सकते हैं जैसा हम कहते हैं? चलो निकलो यहाँ से। कृष्णा, सबको पढ़ाई करके जिंदगी में सफलता पानी चाहिए। तुम्हें भी कठोर परिश्रम करना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आए, फिर वो पैसे की क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें कठोर परिश्रम करना होगा। सर, यदि आप बुरा ना मानेंगे तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे? मुझे मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए 100 रुपए चाहिए, प्लीज। तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं है। सर, कृपा कीजिए, नहीं तो मेरा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, प्लीज सर। ठीक है, लेकिन ये देखो, मैं क्या कर सकता हूँ। नमस्कार, आइए आइए, स्वागत है आपका। बताइए, कैसे आना हुआ? क्या है सर, हम चन्ना मांगने आए। यदि आप बुरा न माने तो? बिल्कुल नहीं, किस बारे में है ये? ये उन नए साहब के लिए है जो सोमवार से यहाँ अपना पद ग्रहण करने वाले हैं। हम उनके स्वागत के लिए भोज आयोजित करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुझाव है। इस अच्छे काम को जारी रखो, उसे आगे बढ़ाओ, उसे वाकई बढ़िया बनाओ। जरूर सर। सर, पर वो चंदा? जरूर, एक मिनट। लीजिए, और चाहिए तो जरूर बताना, लेकिन ये बढ़िया होना चाहिए, ठीक है? पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने उस गरीब लड़के से झूठ क्यों बोला? ए कृष्णा, चुप बैठ। तू मुझे मत सिखा क्या करना चाहिए। अब मुझे परेशान मत करो, चलो स्कूल जाओ। बच्चों, स्कूल के निरीक्षक कल स्कूल में आ रहे हैं, तो वे आएंगे और पूछेंगे हमने कितने पाठ किए। कितने किए हैं? 23। नहीं नहीं नहीं, कल जब वे निरीक्षक आएंगे तुम्हें 23 नहीं कहना चाहिए, 32 कहो, समझे? कितने किए? 32। अच्छे लड़के, अब मैं तुम सबको पाठ 33 पढ़ाऊंगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र। कल जब निरीक्षक आएंगे तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए कि हमने यह पाठ आज किया है। मैं कल भी यही पाठ पढ़ाऊंगा और तुमसे प्रश्न पूछूंगा और तुम्हारे जवाब जल्दी आने चाहिए। क्यों बच्चों, ध्यान में आया ना, समझे ना? यस सर। चलो अब शुरू करते हैं। हरिश्चंद्र एक सत्यवचनी राजा थे। सत्य के लिए वे अपना जीवन भी कुर्बान कर सकते थे। एक दिन विश्वामित्र मुनि उन्हें मिलने आए। तो बोलो कृष्णा। आपने हरिश्चंद्र और सत्य के बारे में बताया,
मगर आप उसे व्यवहार में क्यों नहीं लाते? क्यों आप हमें निरीक्षक से झूठा बोलने के लिए कह रहे हैं? कृष्णा, तुम्हारा मतलब है मुझे उस उपदेश अनुसार व्यवहार करना चाहिए? घर जाओ अभी, मुझे परेशान मत करो, समझे? सब ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं? हिप्पोग्राफी, हिप्पोग्राफी, हिप्पोग्राफी। कृष्णा, तुम अभी तक तैयार नहीं? स्कूल नहीं जाना है? मैं नहीं जाना चाहता स्कूल। क्या? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। कृष्णा, तुम स्कूल जाओगे या नहीं? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? पर क्या हुआ? स्कूल में जाना यानी समय बर्बाद करने जैसा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसके टीचर को अभी बुलाता हूँ। कृष्णा, तुम स्कूल में क्यों नहीं आए? माँ, पिताजी और सर, यदि आपसे बोलना और लिखना सिखाओगे और जो भी सिखा उसे समय पड़ने पर भूल ही जाना है तो स्कूल क्यों जाए? स्कूल जाकर सीखने की जरूरत ही क्या है? इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ओह कृष्णा, हमें माफ करो। मैं भी शर्मिंदा हूँ कृष्णा। दुनिया भरी पड़ी है बहस से, कौन बड़ा कौन छोटा। बहस और झगड़े हैं अनेक, सिर्फ इतना तय करने कि कौन है महान। और हुआ एक दिन ऐसा हमारे हाथ की पांचों उंगलियों के साथ, ये तय करने कि उनमें कौन है महान। मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ए, तुम इससे दूर रहो। क्यों? मैं भले ही छोटी सी हूँ पर हूँ तो बड़ी। बताओ मुझे, कौन पहले अभिवादन करने आगे आता है? कौन पहले शर्त लगाने में आगे आता है? तुम अपने बारे में बात कर रही हो? हाँ लंबू जी, मुझे देख के चिढ़ते और मेरा मजाक उड़ाते हो तुम, मगर याद रखो मैं ही हूँ प्रथम। ए मजाक बंद करो, तुम कुछ नहीं हो। मेरी ओर देखो, लोग अंगूठी से मुझे सजाते हैं और इस तरह से राजा का आदर करते हैं। मैं सुंदर हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मगर मैं सबसे बड़ी हूँ, लंबी हूँ, सबके बीच हूँ। तुम चारों पहरेदार हो, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। प्यारी सखी उंगलियों, तुम देखती क्यों नहीं? मेरे जैसी उपयोगी तुम नहीं। मैं दर्शाती हूँ, मैं सिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। माफ करना दोस्तों, मत लेना दिल पर, मगर ये मुझे बताओ, क्या तुम सभी हो इतने बुद्धिमान और चतुर? बेशक हम है ही। हाँ हाँ, बहुत देखे तुमसे, और तुमसे ज्यादा चतुर। माफ कीजिए, क्या मैं कुछ कहूँ? क्या? मैं समझता हूँ, मुझे भी महत्व है, शायद तुम सभी से कुछ अधिक। अंगूठे? क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे बताओ उंगलियों, मैं अंगूठा तुम्हारे साथ न हो तो तुम क्या काम कर सकोगी? क्या तुम लिख सकोगी, पतंग उड़ा सकोगे, वजन उठाना हो या खट्टी चीज खानी हो, कैप उठाना हो या नल बंद करना हो, चाहे जो भी काम करना हो, मेरे बिना सब है हराम। तो तुम्हारा मतलब है सर्वश्रेष्ठ हो तुम? कभी नहीं, क्योंकि मैं भी तुम सबके बिना बेकार हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? यहाँ सर्वश्रेष्ठ ना तुम हो, ना वो है, ना ही वो है, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा होता है हम। हाँ हम, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ हो तो, और अकेले हो तो कुछ भी नहीं संभव। ये ठीक कहता है, हम पांचों उंगलियां संगठित है, एक दूसरे को मदद करें। ठीक कहा, साथ साथ में हम हमारी जिंदगी हंसी खुशी बिता सकते हैं। हाँ, जैसे हो हाथ मानवता के साथ। हम काम करते हैं साथ, हम खड़े रहते हैं साथ, हम रहते हैं संगठित जैसे उंगलियां और एक हो हाथ।
प्रधान जी, महाराज को जाकर 3 घंटे हो चुके हैं। क्या महाराज खो गए? मगर अब हमें देर हो रही है और हमें महल भी लौटना है। हाँ ठीक कहा तुमने। तो फिर तुम उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? आप प्रधान हो हमारे और वैसे भी हमारे सैनिक और घोड़ों को प्यास लगी है। और ठीक है प्रधान जी, ठीक है, हम सबको जंगल में जाके महाराज को ढूंढना चाहिए। आप सब मेरे साथ चलो। अरे ओ भिखारी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अपनी आंखें खोलो और मुझे उत्तर दो। क्या प्रश्न है तुम्हारा? क्या तुमने हमारे महाराज को इस ओर जाते देखा? जल्दी बोलो। मैं एक अंधा इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं देख सकता। ओह एक अंधा मूर्ख, मैं यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। बूढ़े बाबा, क्या कुछ लोग यहाँ आए थे? कौन बेटा? हमारे महाराज बूढ़े बाबा, क्या तुमने उन्हें देखा? नहीं पुत्र, मैं अंधा हूँ, मगर कुछ समय पूर्व मैंने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। ठीक है, मुझे अंधे बूढ़े आदमी के बजाय अपने ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए। ओ साधु जी, आपने हमारे महाराज को देखा? हम उन्हें खोज रहे हैं। पुत्र मैं देख नहीं सकता, मगर मैंने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। कहाँ महाराज? वहाँ उस दिशा में। धन्यवाद महाराज, आपने हमारी काफी मदद की। साधु महाराज क्षमा करें, क्या आपने किसी को इस ओर आते देखा? ओ तो तुम हो राजा, तुम्हें कुछ लोग ढूंढ रहे थे। कौन थे वो लोग? पहले सिपाही आया, दूसरा नायक, मेरे हिसाब से तीसरा प्रधान होगा। वे सब कहाँ गए? वो मैं कैसे बता सकता हूँ बेटा, मैं अंधा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर आपको पता कैसे चला कि मैं राजा हूँ? हे पुण्यात्मा, लेकिन आपने कैसे पहचाना कि वो मेरे नायक सिपाही और प्रधान थे? भाषा से। हे राजन, व्यक्ति की भाषा उसके बारे में सब बताती है, उसके लिए आंखें ही क्यों, कान ही काफी है, समझे क्या? मैं कुछ समझा नहीं। देखो राजन, पहले व्यक्ति ने मुझे संबोधित किया, वह यकीनन सिपाही था, दूसरा बेहतर था, उसने मुझसे प्रश्न पूछा, ऐसा लगता है वो नायक था, तीसरे व्यक्ति ने मुझसे पूछा वो आपका प्रधान हो सकता है, वो एक अच्छा आदमी था, जब आप आए राजन, आपकी भाषा ने आपका परिचय दिया, आपने मुझसे विनम्र अनुरोध किया। साधु महाराज, आपने निश्चित रूप से मुझे एक अच्छी शिक्षा दी है। राजन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इंसान को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, राजन उसकी बोली ही काफी है। ओ नाविक, क्या तुम्हारी नाव चलने के लिए तैयार है? हाँ क्यों नहीं। मुझे बताओ भाई, आज की क्या ताजा खबर है? माफ कीजिए श्रीमान, मैं पढ़ लिख नहीं सकता, मेरी जिंदगी में अखबार का कोई स्थान नहीं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तुम लिख पढ़ नहीं सकते, 1/4 जिंदगी अज्ञानता में बीत गई, कम से कम समय तो देख सकते हो। नहीं जी, मैं बस इतना जानता हूँ, जब सूरज निकलता है तो सुबह होती है और जब डूब जाता है तो शाम होती है। अज्ञानता की ये तो पराकाष्ठा है, और दूरदर्शन का क्या, वो तो देखते हो? दूरदर्शन? दूरदर्शन तो एक फिजूल खर्च है, न तो मेरा इतना सामर्थ्य है और ना ही देखने के लिए मेरे पास समय है। तुम्हारे जीवन का 3/4 हिस्सा बेकार गया। तुम्हें मालूम है कि इसी प्रकार की अज्ञानता की वजह से हमारे देश की ऐसी बुरी हालत है। तुम लोगों को अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, तुम लोगों को और ज्यादा जागरूक होना चाहिए। श्रीमान, क्या आप तैरना जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। तो फिर आपकी पूरी जिंदगी व्यर्थ गई। मैं चला।
एक दिन रानी की खास दासी दुखी और रोती हुई महल में आई। रानी ने उससे उसके रोने का कारण पूछना चाहा। क्या हुआ, क्यों रोती हो? मगर वो दासी कोई प्रत्युत्तर न दे पाई और सुबकती रही। रानी ने कुछ अमंगल होने का अंदेशा समझा और अनायास वो भी फूट फूट कर रोने लगी। रानी को रोते हुए देखकर सारी दासियां रोने लगी और इसका प्रभाव अन्य सेवकों पर भी हुआ। राजा ने ये सब रोना धोना देखा। रानी को फूट फूट कर रोते बिलकते देखकर राजा भी दुख के सागर में डूब कर रोने लगा। उसने अपने प्रधान को पूछताछ करने के लिए कहा। प्रधान ने एक एक करके सभी व्यक्तियों से पूछताछ की और ये पूछताछ रानी तक पहुंची। प्रधान रानी के पास आया और उसने रानी से पूछा, महारानी, मैंने महल में सभी से पूछताछ की मगर कोई भी मुझे जवाब नहीं दे पाया। कृपया रोना बंद करो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मैं एक धोबिन हूँ और मेरा एक लौता गधा आज सवेरे मर गया। अब मैं धुलाई के कपड़े कैसे धोने के लिए ले जाऊंगी? दुख का कारण सबको पता चला तो रोना धोना बंद हुआ और चारों ओर हंसी फूट पड़ी। सभी अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर शर्मिंदा हुए। विचार तर्क पूर्वक करो, किसी भी बात का निष्कर्ष लेने में जल्दबाजी ना करो या कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमेश, यहाँ आओ, जाओ और 6 केले खरीद कर लाओ, मुझे पूजा के लिए चाहिए। भैया जी, केले कैसे दिए? 12 रुपए डजन। मुझे 6 दीजिए। ये लो बेटा। खाने को दो ना माँ, भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ केले दे सकते हो? अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बच्चे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमेश, क्या हुआ? मैंने तुम्हें केले लाने के लिए कहा था, इतना समय लगा और केले भी नहीं लाए। मैंने केले खरीदे मगर लौटते समय 2 भूखे लोगों को देखा और मैंने उन्हें केले दे दिए। बेटे, मुझे तुम पर गर्व है, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। आज मेरी पूजा सही मायने में पूरी हो गई। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, मालिक को बुलाना पड़ेगा। मालिक 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 मालिक। हाँ, जंगल में आज एक अनोखी घटना घटी। क्या हुआ? क्या है, आपके और मेरे बैल में मुठभेड़ हुई। अरे, ऐसा हुआ क्या? उसमें कोई अनोखी बात नहीं है, समझदार भी आपस में झगड़ते ही है। लेकिन आपके बैल ने मेरे बैल को मारा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जानवर तो झगड़ते ही है और उसमें कोई मर भी जाता है। हर जीव को एक न एक दिन मरना ही तो है, क्यों, सच कहा ना? मालिक, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, मुझे माफ करो। क्या है, मेरे बैल ने आपके बैल को मारा। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? जब तुम्हारा बैल मेरे बैल को मार रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए।
साधु जी वहाँ मत जाइए, वहाँ सांप है। हाँ साधु जी, वहाँ पर बहुत बड़ा जहरीला सांप है। वो बहुत बड़ा है, वो आपको मार डालेगा। भागो भागो, वो आ गया। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुम्हें डसने वाला हूँ। अरे क्या वाकई? फिर क्या होगा? तुम दर्द से तड़पोगे, मुंह से झाग निकलेगा, गिरोगे, बेहोश हो जाओगे। अच्छा, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? सभी मुझसे डरेंगे, मैं उनके दिलों में डर बिठा दूंगा और मेरे बिल के आसपास भटकने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। इस मूर्खतापूर्ण घमंड का आनंद उठाना बंद करो। तुम जितना भी बुरा करोगे उतनी ही बुराई तुम्हारे हिस्से में आएगी। मतलब? याद रखो, दुनिया गोल है, सभी चीजें जाती है और लौट कर वापिस आती है। अतः दुनिया को प्रेम दो और दुनिया से प्रेम लो। लोगों को डसना बंद करो, जिंदगी में खुद जियो और दूसरों को जीने दो। समझे? मैं सारी जिंदगी बुरा बना रहा, साधु ठीक ही कह रहा है। अब मुझे किसी को भी डसना नहीं चाहिए, अब मैं किसी को नहीं डसूंगा। अरे वो बड़ा काला सांप कहाँ है? वो हमें कई दिनों से दिखा नहीं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में भी कभी हमें उसके दर्शन तक न हो। मार मार के उसकी हमें क्या हालत बना दी। हाँ, मैंने भी उसे मारा। मैंने तो बड़े पत्थर से उसे कुचल दिया और दोनों हाथों से पकड़ कर फेंक दिया। हो गया, वो अभी कभी नहीं आएगा। अरे तो तुम यहाँ हो? बाहर आओ। क्या वे गए? कौन? वे शरारती बच्चे, वो मुझे मारते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ही ऐसा कैसे हुआ? ओ पुण्य साधु महात्मन, उस दिन आपके जाने के बाद मैंने जिंदगी में प्रेम पूर्वक रहने का प्रयास किया। मैंने सबको, किसी को भी डसना बंद कर दिया। मेरे पास जो कुछ भी था उसी के सहारे गुजारा करना शुरू किया। कौन सा साफ फल खाता है, पर मैंने खाया। मेरा इरादा किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैं उन बच्चों से दोस्ती करना चाहता था, मगर जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझ पे पत्थर बरसाए और मुझे बहुत मारा। मैंने चुपचाप सब कुछ सह लिया, यहाँ तक कि मैं फुटकारा भी नहीं। वक्त रहते मैंने अपने आप को अपने ही बिल में शरण लेके बचाया। दूसरों से प्रेम भाव रखने के बदले आपको क्या यही मिलता है? सूजी आंखें, ढेर सारे जख्म। मेरे प्रिय साथी, मैंने तुम्हें सिर्फ डसने को ना किया था, मगर मैंने तुम्हें पुकारने के लिए थोड़ी मना किया था। एक बहुत धनी व्यापारी था, उसका एक ही बेटा था। वो बेटा लगभग 5 वर्ष का होगा जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस व्यापारी ने अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया और उसे खूब लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। उसने उसे अच्छी शिक्षा दी और उसका विवाह एक सुंदर कन्या से करवा दिया। बहू के आने पर सारे घर की परिस्थिति ही बदल गई। बहू को अपने ससुर की उपस्थिति खटकती थी और एक दिन, सुनिए, आप अपने पिता से सारी जायदाद क्यों नहीं ले लेते? परेशान मत हो, मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ और इसलिए सारी जायदाद का वारिसदार भी मैं ही हूँ, सिर्फ मैं। मगर वो इससे संतुष्ट नहीं थी। पत्नी और पिता के प्रति प्रेम के बीच बेटा पिसता जा रहा था। उसकी पत्नी द्वारा सारा दिन और सारे समय जोर डालते रहने पर उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, आप वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं और आपको सारी जायदाद की देखभाल करना कठिन प्रतीत होता होगा, इसलिए सारी जायदाद। पिता की सारी परिस्थिति पूरी तरह समझ में आई, फिर भी उन्होंने हामी भर दी और उसे जायदाद संबंधी सारे कागजात दे दिए और तिजोरी की चाबियां भी दी। कुछ महीने बीत गए, बहू गर्भवती हो गई। उसने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी हमेशा खांसता और छींकता रहता है। उसने एक चाल चली, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ,
एक कमरे की आवश्यकता होगी तो पिताजी को नौकरों के कमरे में क्यों नहीं भेज देते? पिताजी, आप उन नौकरों के कमरे में क्यों नहीं रहते हो? वो नौजवान अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसे बहुत बुद्धिमान मानता था, जिसकी वजह से उसने अपने पिता को वहां जाकर रहने का आग्रह किया। बहू अपने ससुर को वहीं पर जाकर खाना देने लगी। एक शुभ दिन उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वो एक बेहद चतुर, फुर्तीला और स्नेही बालक था। वो सदा अपने दादाजी के साथ रहता था। उसे उनसे कहानियां और चुटकुले सुनने में बड़ा मजा आता था। साथ ही वो अपनी माँ द्वारा उसके दादाजी के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से अप्रसन्न था। एक दिन उसके माता पिता कुछ ढूंढ रहे थे। बालक अब 5 वर्ष का हो गया था और अपने दादाजी के गोद में बैठा था। वो रसोई घर में दौड़ा और अपने माता पिता को कुछ ढूंढते हुए पाया। अब क्या ढूंढ रहे हो पिताजी? ओह, तुम्हारे दादाजी की वो पुरानी थाली। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और उन्हें खाना भी परोसना है। क्या तुमने वो देखी? हाँ, वो मेरे पास है। मैंने उसे सावधानी से अपने खिलौनों में रखा है। क्या तुमने वो थाली रखी है? क्यों, किस लिए? जाओ उसे लेके आओ। नहीं नहीं पिताजी, मुझे वो चाहिए। जब आप मेरे दादाजी जैसे बुढ़े हो जाओगे तब मैं उसी थाली में आपको खाना दूंगा। दोनों माता पिता अवाक हो गए। वे बाल मन को समझ नहीं पाए और अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो गए। उस दिन के बाद उन्होंने उस बूढ़े आदमी का ध्यान प्रेम और इज्जत के साथ रखना शुरू किया। यदि तुम अपने माता पिता का आदर करोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। तुम्हें कहानियाँ पसंद आई? हाँ हाँ, मुझे बेहद पसंद आई। दादी माँ, आप मुझे और भी सुनाइए। वादा? मैं वादा करती हूँ, लेकिन तुम इन कहानियों द्वारा दी गई शिक्षा को अपनाओगे।